तालाब की जमीन से अवैध कब्जा हटवाने की मांग को लेकर रटौल गांव के ग्रामीणों ने तहसील परिसर में हंगामा किया। उन्होंने प्रदर्शन करते हुए खेकड़ा एसडीएम राजपाल सिंह से तालाब से अवैध कब्जा हटवाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ गांव के दबंग युवक ग्राम प्रधान से मिलकर गांव में बने तालाब पर कब्जा कर रहे हैं। खेकड़ा तहसील पहुंचे आधा दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने एसडीएम से शिकायत करते हुए तालाब से अवैध कब्जा हटवाने की मांग की है। जी, मेरा नाम तनसीर है। तहसील में क्या बात है? भाई साहब, हमारे यहाँ झोड़ पे अवैध तरीके से कुछ कब्जा करवा रहे हैं प्रधान से कह के। प्रधान जी कह देते हैं कि हम मैं नहीं करवा रहा, पानी का साधन नहीं। प्रधान जी का नाम लेकर गिर रहे हैं। जानू सन ऑफ इसमाइल एक बब्बू सुरमई, ये लोगों से 20-30 हज़ार रुपये लेकर कब्जा कर रहे हैं अवैध तरीके से। प्रधान जी से कहते हैं, प्रधान जी कह रहे मैं नहीं भेज रहा, LMC की ज़मीन है, पानी का कोई साधन नहीं है। तो क्या कह रहे हैं अधिकारी? अधिकारी ये तो कह रहे हैं कि आप कानूनी कार्यवाही कर दो। एप्लीकेशन, हमने एप्लीकेशन लगाई है और कह रहे हैं कि हम कार्यवाही करेंगे। सख्त कार्यवाही होगी इस चीज़ की।